ओम शांति। आज का प्यारे बाप का बहुत ही सुंदर महावाक्य है। आज के महावाक्य में बाबा बहुत सारी बातों को अटेंशन दिलाए हैं। हम बच्चों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना है और कौन कौन सी बातों पर विशेष पुरुषार्थ करना है, ये प्यारे बाबा हम बच्चों को बताए हैं। आज का मुरली मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज का मुरली का पॉइंट बोलेंगे राकेश भाई। ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज आज बाप बताए हैं कि तुम्हें किसी से पैसे मांगने मांगने की दरकार नहीं है। जो कल पहले दिए थे वही अब भी देंगे। तुम बेफिक्र बादशाह रहो, तुम्हें किसी की भी फिक्रात नहीं होनी चाहिए। और बाबा बोले हैं कि मुरली तुम्हें कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली यदि मिस करते हैं तो कई मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम मिस कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत घाटा हो जाता है। इसलिए हमें अपनी उन्नति के लिए हमेशा डायरी रखना है, और उस डायरी में हम कितना समय तक बाबा को याद करते हैं उसका चार्ट रखना है। हमें आशीर्वाद आदि भी बाप से नहीं मांगनी है। और सबसे मुख्य है योग। कई जैसे कि जो अज्ञानी मनुष्य है वो जब सोए हुए रहते हैं तभी उनसे कोई पाप नहीं होता है, और लेकिन हम ब्राह्मण के लिए हम अशरीरी होकर रहेंगे तो इससे ना पाप पाप होगा नहीं, और जितने पाप है वो पाप कटते जाएंगे। इसलिए हमें अशरीरी होके रहना है। और याद की यात्रा में हमेशा रहना है। ओम शांति। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सदा हमें पूरा पूरा अटेंशन रखना है योग पर, याद में रहने पर। और आज भी बहुत सारा बाबा पॉइंट बताए हैं, इसमें से मुख्य पॉइंट बताएंगे अजय भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शिव। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि जो भी सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको कुछ भी मांगने की आदत बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए उनके अंदर। और जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना है, ऊंच पाना होगा, वो सहयोगी अवश्य बनेंगे। और बाबा कह रहे हैं कि आशीर्वाद कृपा ये तो सब भक्ति मार्ग की चीजें, ज्ञान मार्ग में ये सब चीजें नहीं होती। किसी से भी आशीर्वाद और कृपा नहीं मांगना है। और बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज तो सोर्स ऑफ इनकम है, और योग से ही बल मिलता है। ज्ञान से तो बल मिलेगा नहीं, ज्ञान से तो ज्ञान धन हुआ, योग से बल की प्राप्ति होगी। योग माना ही हुआ कि बाप की याद। और बाबा रहमदिल बादशाह है, उनका तो पार्ट ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का। और हम आत्मा हैं, हमको बाप की याद में रहना है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा मेहनत है। अपने को घड़ी घड़ी अटेंशन दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और बाबा लिख कह रहे हैं कि भाई चार्ट लिखने में तो अपनी की बहुत सुधार होती है। चार्ट तो सभी को लिखना चाहिए, डायरी हमेशा रखनी चाहिए अपने पास। और बाबा मुरली के लिए अटेंशन दिला रहे हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली रेगुलर पढ़नी है, सुननी है, क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। और फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो इसमें तो अपार खुशी में सबको रहना है। और बाबा स्लोगन में बता रहे हैं कि अगर बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्वशक्तियों की करंट तो ऑटोमेटिक आती रहेगी। बस करंट के लिए कनेक्शन सही होना चाहिए।
और वरदान में बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज की चाबी अगर हमारे पास होगी, हर जगह कोई भी समस्या है तो अपने नॉलेज की अगर चाबी वहां लगाएंगे तो समस्या हो सकता है उसका समाधान तुरंत हो जाए, तो बाबा ऐसा बोल रहे हैं। जी भाई जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। नॉलेज रूपी चाबी ही संगम युग पर बहुत बड़ा वरदान। इस नॉलेज को चाबी को लगाएंगे, जितना चाहो उतना तुम जमा कर लो, अभी ही ये जमा कर सकते, फिर ही ये हमें जमा करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। ओम शांति, ओम शांति।